रामपुर के डेरा बाबा भूमड़ शाह विवक्ता पर आज प्रभु नेत्रालय और व्यापार मंडल सकेनिया द्वारा आँखों का निःशुल्क कैंप आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार की जांच एवं सभी प्रकार की दवाइयां प्रभु नेत्रालय द्वारा फ्री में बांटी गई। प्रभु नेत्रालय ने जनता की सेवा के लिए एक निःशुल्क आँखों की जाँच का कैंप लगाया था। वहीं आँखों के निःशुल्क कैंप में आए व्यापार मंडल के अध्यक्ष देशराज कम्बोड और व्यापार मंडल के महामंत्री पृथ्वी बजाज ने बताया कि यह हमारा 13वां निःशुल्क आँखों का कैंप आयोजन है और अब तक हम 736 लोगों की आँखों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके हैं और आगे भी हमारी यह सेवा लगातार जारी रहेगी। कैंप में पहुंचे प्रभु नेत्रालय के MD मनीष पाल सिंह ने बताया कि हमने यह कैंप जनता की सेवा के लिए लगाया है। आज से इस कैंप में कई लोगों का इलाज जारी है। वहीं कई गरीब लोग अपना इलाज करा चुके हैं। और क्या कुछ कहा मनीष पाल सिंह ने, आप सुनिए। आज ये कैंप उद्योग व्यापार मंडल सकेनिया की तरफ से डेरा बाबा भूमण शाह विवक्ता मजरा मर्दान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश यहाँ पे लगाया गया। पिछले 3 वर्षों से हम ये कैंप कर रहे हैं। अब तक 736 ऑपरेशन हम लोगों के कर चुके हैं और खासकर हमारे प्रभु नेत्रालय द्वारा ये कैंप लगाया गया है। और इस कैंप में हम बिना ऑपरेशन के लोगों की आंखें ठीक करते हैं और किसी की अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है आंखों में तो उसका हम फ्री में इलाज और उसके पिछले 1 साल के इलाज की तो व्यापार मंडल उसके इलाज के खर्चे का सब व्यापार मंडल करता है। तो आज ये हमारा 13वां कैंप है वैसे तो, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम ज़्यादा इस पर सहयोग कर रहे हैं। 736 हम अब तक ऑपरेशन करा चुके हैं, प्रभु नेत्रालय द्वारा ये लगाया गया है। डॉक्टर साहब, आज आपने ये निःशुल्क आँखों कैंप लगाया है, कितने मरीज आए हैं और क्या सुविधा है मरीजों के लिए? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार है। और आज हम यहाँ बेवक्ता मजरा मर्दान एक जगह पड़ती है, तो यहाँ गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है, तो यहाँ हम लोगों ने कैंप लगाया है। और मैं रुद्रपुर से हूँ, प्रभु नेत्रालय से, एक हमारा आँखों का अस्पताल है। तो हमें यहाँ बुलाया गया है, डॉक्टर DR कम्बोजी है, देशराज कम्बोजी है, काफ़ी सम्मानित हैं वो, और उनके द्वारा यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है और उनकी पूरी टीम ने ये कैंप लगवाया है। मैं नाम तो नहीं जानता हूँ लेकिन पूरी टीम का बड़ा सहयोग रहा है। और खास करके यहाँ जो जितने भी मरीज हैं वो सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आँखों में मोतियाबिंद मतलब इतना पका हुआ है मोतियाबिंद है कि उन्होंने पत्थर कर लिया है। उसका कारण ये है कि वो लोग पैसे की वजह से या कई सारी वजहें ऐसी होती हैं कि वो अपनी जाँचें तक नहीं करा पाते। इलाज कराना तो बहुत बड़ी बात है, तो आज उन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आँखों का कैंप लगाया है और उनको दवाइयाँ भी हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से। और इनकी सोसाइटी है उसकी तरफ से भी दवाइयाँ फ्री अरेंज कराई गई हैं। और यहाँ के मरीज बहुत खुश हैं कि हमारी आँखों की जाँचें निःशुल्क हो पा रही हैं। दूसरी जो आयुष्मान कार्ड है उस योजना के तहत जो है मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री किए जाएंगे। ऑपरेशन फ्री जो किए जाएंगे वो एक हमारे हॉस्पिटल में एक नई टेक्निक है, टॉपिकल विधि के द्वारा ऑपरेशन करेंगे। फेको मशीन होती है हमारे यहाँ, फेको मशीन से ऑपरेशन किए जाएंगे, वो भी टॉपिकल विधि में। टॉपिकल विधि का मतलब होता है कि ना तो कोई सुई लगती है ना कोई आपको पट्टी लगती है उसमें, बिना पट्टी के बिना इंजेक्शन के जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा मोतियाबिंद का। उसमें किसी को कोई दर्द भी नहीं होता। पहले बुजुर्ग जो होते थे वो दर्द की सुई की वजह से अपने ऑपरेशन तक नहीं करा पाते थे, तो वो सुई नहीं लगी है, बिना सुई के जो है ड्रॉप डाल के उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। और जनता बहुत खुश है कि ऐसा एक हॉस्पिटल है कि इतने मतलब सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में लगातार 30-35 ऑपरेशन डेली होते हैं और ऑपरेशन चाहे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम उसकी एक लिमिट होती है ओटी में जो है ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो उसी को देखते हुए हम कम से कम ऑपरेशन रखते हैं और क्वालिटी वर्क करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज एक कैंप लगाया गया है, किस चीज़ का कैंप है? अच्छा जी, ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ और सकेनिया व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और हम व्यापार मंडल ने और रेड क्रॉस ने मिलकर ये कैंप लगाया है, जो कि आज तक 12 कैंप मैं पहले लगा चुका हूँ जिसमें 736 मरीजों के मैंने ऑपरेशन फ्री करवाए हैं। यह 13वां कैंप है और इसमें भी मुझे उम्मीद है कि करीब 100 ऑपरेशन हो जाएंगे और सफल ऑपरेशन होंगे, क्योंकि यह पहली बार एक ऐसा हमें हॉस्पिटल मिला है जिसमें बिना टाँके के, बिना पट्टी के, बिना इंजेक्शन के
फेको विधि द्वारा ये ऑपरेशन किए जाएंगे और डायरेक्ट चश्मा ही लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑपरेशन होता है। तो आज तक हम लोग 736 मरीजों के ऑपरेशन में करा चुका हूँ। अब ये 13वां कैंप है, मुझे उम्मीद है कि यह सफल होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।